अस्सलाम वालेकुम सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह मछली की बिरयानी यानी फ़िश बिरयानी बनाना सीखेंगे। बहुत सारे लोग मछली के साथ दही खाना पसंद नहीं करते, इसीलिए मैं इस बिरयानी में बिल्कुल दही नहीं डाल रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम 500 ग्राम बोनलेस फ़िश लेंगे, यानी इस मछली को मैंने बाज़ार से ही बोनलेस करके मंगवाया है, यानी पूरे कांटे वगैरह निकाल दिए हैं। आप कोई भी मछली को इस तरह से बोनलेस करके मंगवा सकती हैं। आप इसमें 1 टीस्पून यानी 1 टीस्पून नमक डालिए, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए और 1 नींबू का रस इसमें ऐड कीजिए। और फिर उसके बाद इसमें 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डालिए, इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और आधा घंटा रख दीजिए। यहाँ पर 1.5 कप टमाटर पेस्ट है यानी पिसे हुए टमाटर हैं, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, और 1 टीस्पून हमने गरम मसाला लिया है, 1 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन पेस्ट लिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, नमक टेस्ट के हिसाब से लीजिए, 1/2 टीस्पून हमने चिकन मसाला लिया है और 2 नींबू का रस है और 1/2 टीस्पून से थोड़ी कम हल्दी है। अब एक पैन को आप गैस पर रखिए, गैस ऑन कीजिए और उसमें तली हुई प्याज का तेल डाल दीजिए, और उसके बाद आप इसमें फ़िश फ्राई कीजिए जो कि हमने मैरिनेट करके रखी है। देखिए ये जो तेल है इसमें मैंने पहले ही 2 प्याज को यानी 2 बड़े प्याज को तल कर रखा है, क्रिस्पी फ्राई करके रखा है, तो उसी तेल को हमने यूज़ किया है। अब तलते वक्त इसमें कोथमीर डालिए और फ़िश को तल कर निकाल लीजिए। 5 लौंग लिए हैं मैंने और 10 हरी इलायची है और 1/2 करण फूल हमने लिया, और ये 1 बड़ी इलायची है और ये 1/2 टुकड़ा जावित्री का और 2 तेज़पत्ते। अब जिस तेल में हमने मछली तली थी उसी तेल में हम ये खड़े मसाले यानी सूखे मसाले डाल देंगे। मैंने हरी इलायची को खोल कर इसमें डाला है। मसालों को अच्छी तरह से तलिए और उसके बाद इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाल दीजिए। लेकिन याद रखिए, अगर आपको फ़िशी स्मेल यानी मछली की स्मेल पसंद नहीं आती है तो आप तली हुई मछली का तेल यूज़ ना करें बिरयानी में, फ्रेश तेल लें जिससे कि मछली की स्मेल ज़्यादा नहीं आएगी। और उसके बाद 1/2 कप आप इसमें टमाटर पेस्ट डाल दीजिए और लाल मिर्च पाउडर डालिए, हल्दी पाउडर भी ऐड कर दीजिए। इन सभी चीज़ों को आप तेज़ आंच पर अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को हमें फ्राई कर लेना है, और इसके बाद हम इसमें बचा हुआ टमाटर पेस्ट डाल देंगे यानी पिसे हुए टमाटर हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद हरी मिर्च डाल दीजिए, ये 6 से 7 हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने चीर कर इसमें डाल दिया है। और अब इसमें आप गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए, चिकन मसाला पाउडर इसमें ऐड कर लीजिए, सारे जो पाउडर्ड मसाले हैं वो सारे मसाले इसमें डाल दीजिए। देखिए हमने चिकन मसाला और गरम मसाला डाल दिया, और अब इसमें हमने धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया। धनिया पाउडर ये सिंपल वाला धनिया पाउडर है जिसमें कोई भी चीज़ नहीं ऐड की गई, और उसके बाद हमने इसमें नमक डाल दिया। सारी चीज़ों को आप तेज़ आँच पर अच्छी तरह से पका लीजिए, और फिर 1/2 टीस्पून शाहजीरा डाल दीजिए, और 2 नींबू का रस इसमें ऐड कीजिए, कोथमीर और पुदीने को बिल्कुल बारीक करके इसमें डाल दीजिए, और तली हुई प्याज डाल दीजिए, थोड़ी सी तली हुई प्याज बचा कर रखिए ताकि हम ऊपर से चावलों पर डालें। इसे भी कुछ देर पका लीजिए, और इसके बाद गैस बंद करके आप इसमें तली हुई मछली ऐड कर लीजिए। हमें सिर्फ मसाले में मछली मिक्स करनी है, इसे पकाना नहीं है। तो हमारी ये यखनी तैयार हो गई है। अब देखिए यहाँ पर 1/2 किलो बासमती चावल है, इन्हें आप धो लीजिए और धोकर कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए भिगो लीजिए। तो मैंने देखिए इस तरह से भिगो कर रखा है। अब चावलों का 3 से 4 गुना पानी लीजिए, उसे गर्म कीजिए। पानी उबलते वक्त इसमें पानी के हिसाब से नमक डालिए, और फिर 5 से 6 हरी इलायची को खोल कर इसमें ऐड कर लीजिए। देखिए जब अच्छी तरह से ये उबलने लगेगा पानी, फिर आप इसमें चावल डाल दीजिए, और फिर चावल को आप 90% पकने तक पका लीजिए, यानी ये चावल अच्छी तरह से पकने चाहिए, यानी बिल्कुल दम देने के करीब हो जाएं, इतने अच्छी तरह से ये चावल पकने चाहिए। फिर उसके बाद आपने इसे छान लेना है।
देखिए हमने इसे छान लिया। और छानने के बाद ये हम अखनी पर डाल देंगे, यानी जिस बर्तन में हमें बिरयानी बनानी है उसमें यखनी रखिए, फिर ऊपर से ये निथारे हुए चावल डाल दीजिए। और अब हम इसमें कोकोनट मिल्क डालेंगे आधा कप। कोकोनट मिल्क डालने की वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा, तो आप इसमें आधा कप कोकोनट मिल्क डाल दीजिए। और ऊपर से तली हुई प्याज और कोथमीर पुदीना डाल दीजिए, तली हुई प्याज का तेल भी डाल दीजिए, करीब एक कप के आसपास तेल डाल दीजिए और ढक्कन ढाँक दीजिए। गैस को 2 मिनट फुल फ्लेम पर पकाइए और फिर 10 से 12 मिनट लो फ्लेम पर पकाइए। देखिए मैंने यहाँ आटा इसलिए लगाया है कि भाप ना निकले। और 10-12 मिनट के बाद खोल कर देखिए, हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार है। अब आप किसी प्लेट में इसे उल्टा कर दीजिए, नॉनस्टिक पैन में बनाने की वजह से ये बहुत आसानी से निकल जाएगी। तो देखिए ये बिरयानी तैयार है, आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। तो सबास बेस्ट क्लासेस को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए ये जो गोश्त है यानी जो फ़िश है बहुत अच्छी तरह से गली है, न बहुत ज़्यादा नरम है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त, बहुत सही गली है, देखा आपने। और चावल भी बहुत सही पके हैं, देखिए मैं आपको हर तरफ के चावल बताती हूँ, ये बहुत सही बने हैं, बिल्कुल खुले खुले हैं और बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।